1609 गैलीलियो गैलीली ने पहली बार टेलीस्कोप को इन्वेंट किया। इसके बाद से ही स्पेस साइंस में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। इसके बाद 1846 में नेपच्यून को पहली बार डिस्कवर किया गया। लेकिन इसके बाद से ही एक सवाल उठ रहा था कि शायद नेपच्यून के बाद भी कोई एक प्लैनेट एग्जिस्ट कर सकता है। नहीं, मैं प्लूटो का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्लूटो कोई प्लैनेट है ही नहीं। एनीवे, इस थ्योरी को माना गया क्योंकि शायद एक इनविजिबल अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो कि यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो क्या है आखिर वो चीज़? क्या सोलर सिस्टम के बाहर भी कोई प्लैनेट मौजूद है, या कोई ब्लैक होल जिसको अभी तक किसी ने नहीं देख पाया? तो कहीं मत जाइए, आज के ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए क्यूरियस हैं, तो क्यों ना आप साइंसस्कोप को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं। तो मैं हूं देवाशीष, चलिए जान लेते हैं। क्लाइड टॉमबर्ग ने प्लूटो को पहली बार डिस्कवर कर लिया, लेकिन उनको लगा कि यूरेनस और नेपच्यून को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्लूटो बहुत ही छोटा है। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि प्लूटो प्लैनेट 9 नहीं था। प्लैनेट 9 एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है और ये बहुत ही दूर मौजूद है। आप कह सकते हैं कि ये सोलर सिस्टम के एंड में मौजूद है। एक थ्योरी के मुताबिक प्लैनेट 9 का जन्म सोलर सिस्टम के दूसरे गैस जायंट्स जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के साथ ही हुआ था। जब प्लैनेट 9 बन रहा था, तब बेसिकली वो सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स से गैसेस को अट्रैक्ट कर रहा था, और इस प्रोसेस के दौरान ये प्लैनेट जुपिटर के ग्रेविटी के इतना करीब आ गया था कि वो बाउंस होकर सोलर सिस्टम के बाहर चला गया। इसके वजह से ही प्लैनेट 9 और गैस अब्सॉर्ब नहीं कर पाए जिससे कि वो प्लैनेट ग्रो हो सके, और इसका साइज अर्थ के साइज से 5 से 15 टाइम्स ज़्यादा ही रहेगा। और एक दूसरे थ्योरी के मुताबिक जब सन यानी सूरज बन रहा था, तब सन के ग्रेविटी के वजह से ही कोई दूसरे स्टार सिस्टम से कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होकर आ गया था, और वही था प्लैनेट 9। सो इसका मतलब प्लैनेट 9 एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। खैर, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज मौजूद हैं कि प्लैनेट 9 कैसे वहाँ पे आया और सच में ये वहाँ पे मौजूद है भी या नहीं। तो सवाल ये है कि हम कैसे उसको देखें। एक्चुअली प्लैनेट 9 को अभी तक कोई भी नहीं देख पाया है। ये पूरी तरीके से फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसे ठीक तरीके से देखने के लिए सोलर सिस्टम के लास्ट तक देखना होगा, लेकिन ये उतना भी इजी नहीं है। हम TNOs यानी ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। वहाँ पे फ्रोजन यानी जमा हुआ रॉकी बॉडीज काइपर बेल्ट के पास तैरता है। हमने रिसेंटली ऐसे ही ऑब्जेक्ट को ढूंढ भी निकाला जिसको नाम दिया गया फार आउट, और ये अभी तक सोलर सिस्टम के सबसे दूर पाया जाने वाला ऑब्जेक्ट है। ये 123 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट्स दूर मौजूद है। लक्ष्य ये है कि जितना हो सके उतना TNOs को ढूंढना पड़े, जो कि प्लैनेट 9 को ढूंढने में और भी ज़्यादा मदद करेगा। ये ऐसा है जैसे कि एक छोटा सा क्लू ढूंढते ढूंढते एक बड़ा सा इंसिडेंट ही पता चल जाए, क्योंकि ये TNOs के बिहेवियर ये सजेस्ट करता है कि वहाँ सोलर सिस्टम के एंड में कोई बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद है जो इस ऑब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर प्लैनेट 9 सच में एग्जिस्ट करता है, तब उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन जरूर लीक होता। लेकिन साइंटिस्ट सोलर सिस्टम के एंड में एक ग्रेविटेशनल इफेक्ट को डिटेक्ट किया था। लेकिन क्या होगा अगर वो प्लैनेट 9 कोई प्लैनेट नहीं हुआ, शायद वो एक ब्लैक होल हो। इस आइडिया को फर्स्ट टाइम
2019 में उठाया गया। एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल्स को तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सुपरमैसिव ब्लैक होल, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल एंड स्टेलर मास ब्लैक होल। हमारे सबसे करीबी सुपरमैसिव ब्लैक होल है सैजिटेरियस ए स्टार, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। इन ब्लैक होल्स में एक्सीलरेशन डिस्क मौजूद है और इससे बहुत रेडिएशन भी निकलता है। लेकिन इससे अलग और एक ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम है प्राइमोडियल ब्लैक होल। सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि साइंटिस्टों को अभी तक ऐसे ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के बारे में कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है। इसको सिर्फ मान लिया जाता है कि ऐसा ब्लैक होल मौजूद है। ये ब्लैक होल्स बहुत ही छोटा होता है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक ये ब्लैक होल्स बिग बैंग के ठीक कुछ मिलीसेकंड बाद ही वहाँ पे आ गया और शायद ये ब्लैक होल्स पूरा यूनिवर्स के बनने का विटनेस है। और अब ये छोटे प्राइमोडियल ब्लैक होल्स अभी एवेपोरेट हो रहा है, लेकिन बड़े ब्लैक होल्स अभी भी यूनिवर्स में घूम रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स भी इस प्लैनेट 9, क्या आप कह सकते हैं कि प्राइमोडियल ब्लैक होल 9 को अभी भी अपने आंखों से नहीं देखा है। पता चलता है तो सिर्फ ये देखो कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट दूसरे स्पेस बॉडीज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसा क्यों लगा कि वहाँ पे कोई प्राइमोडियल ब्लैक होल हो सकता है? अगर आसमान में कोई ब्राइट स्टार्स को देख पाए और एक मैसिव ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसके सामने से क्रॉस कर रहे हो, तब वो स्टार्स सिर्फ ज़्यादा चमकने ही नहीं लगेगा बल्कि वो थोड़ा कर्व नजर आएगा, क्योंकि हम उसको एक जायंट मैग्नीफाइड टेलीस्कोप से देख रहे होंगे। और जब साइंटिस्ट ने प्राइमोडियल ब्लैक होल का एक कंप्यूटर मॉडल को बनाया ठीक अर्थ से 5 से 15 टाइम्स बड़ा और सोलर सिस्टम के ठीक एंड पे सेम जगह को उसको प्लेस किया, तब वो लोग चौंक गए थे, क्योंकि उन लोगों को सेम रिजल्ट मिल रहा था कि वो प्लैनेट 9 काइपर बेल्ट के बाहर नहीं बल्कि अंदर मौजूद है। और प्राइमोडियल ब्लैक होल होने के वजह से ही ये कोई रेडिएशन जनरेट नहीं करता है। इसको लेकर अभी भी कॉन्क्रीट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स इसको लेकर अभी भी कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और शायद कुछ साल बाद हम इसी प्लैनेट 9 या ब्लैक होल 9 का पिक्चर्स को भी देख पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस स्कोप के साथ।